जय हिंद दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक और जॉब अपडेट लेकर हाजिर हूँ, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, आपको डिटेल में और बारीकी से जानकारी दी जाएगी कि आप अपना फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि दोस्त इस चैनल पर आपको सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, खुद फॉर्म अप्लाई करता हूं, इसलिए सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाकर आप लोग के बीच लाता हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करता हूं, जानता हूं कि छात्र के पास, कैंडिडेट के पास समय की कमी होती है। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अप्लाई आपको 24 फरवरी 2021 से आप 10 मार्च 2021 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही इसमें आपका एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 300 रुपया एप्लीकेशन फी रखा गया है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपका कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। इसमें आपका एज लिमिट 30 ईयर एज रखा गया है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको डिग्री इलेक्ट्रिक मैकेनिकल से 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट केमिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो को एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए और आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और सारा नोटिस भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।